जनता, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत और इंडिया एक ही चीज़ है, ये तो उलझाने वाली बात नहीं है। भारत हिंदी में बोलते हैं, इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदुस्तान हमारे दूसरा भाषा में बोलते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो जैसे मर्जी उलझा लो इसे, इसका कोई आम जनता को क्या इसका फर्क है। आम जनता को चाहिए रोजगार, चाहिए लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, केंद्र सरकार उस तौर कदम करे, जैसे 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने वायदे किए हैं 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, तो वायदे पूरे करना चाहिए, ये उलझाने से क्या बनेगा। क्या ये जो इंडिया का गठबंधन समय की मजबूरी है, जैसे जैसे विपक्ष इकट्ठा होगा तो जो सत्ता पक्ष है उसको तकलीफ होगी, इसमें समय की मांग है, इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छी बात है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। 2024 में मिलेगा सर इंडिया गठबंधन को साथ, बट बड़ा अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है, समय की पुकार है, समय से सब कुछ चलता है, और ये सारी सृष्टि जो है ये भगवान ने रचाई हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है, जो ईश्वर ने करना बोलना। इस त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कई बार मुलाकात की है, और हिमाचल प्रदेश को आपदा राज्य घोषित करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी आज सहायता प्रदान की जा रही है, इसमें लोगों की भागीदारी और जहां दूसरे प्रदेशों की सरकारें हैं उनकी भागीदारी भी इसमें रही है। राजस्थान सरकार से हमें पैसे मिले हैं 11 करोड़ रुपए के करीब है, कर्नाटक से पैसे मिले हैं और हरियाणा से पैसे मिले हैं, झारखंड से पैसे मिले हैं, दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे वहाँ से पैसे हमें मिले हैं, और यहाँ की प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है, देवतुल्य जनता, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद जो है वो लोगों की राहत के लिए दिए हैं। मेरे क्षेत्र से 18-20 लाख रुपया जो इकट्ठा हुआ है वो आपदा राहत कोष में उसको भी दिया गया है। इसी तरह और भी पैसे आएंगे, वो उन गरीबों की मदद के लिए होंगे जिनके आसियाने उजड़े हैं, तो यहाँ दानी सजनों की कमी नहीं है, लोग दिल खोल के अपने आप पैसे दे रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं है, खुद आके ड्राफ्ट और चेक दे रहे हैं। तो आज जो दानी सज्जन है उनका भी सहयोग मिल रहा है, और आगे भी हमें उम्मीद है मिलता रहेगा, और राहत राशि जो है वो लोगों को पहुँचाई जा रही है, कई जगह राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। मेरे बैजना से महिला मंडल ने राशन मुहैया करवाया है, कपड़े मुहैया करवाए हैं, वो DC कांगड़ा को हमने दिए हैं, जहाँ लोग शिविरों में रह रहे हैं उन्हें वो राशन जो है वो मुहैया करवाया गया, कपड़े उन्हें मुहैया करवाए गए, तो दानी सज्जनों की कमी नहीं है, लोग दिल खोल के दान दे रहे हैं। विपक्ष का रवैया आपको कैसा लगा? देखिए, सरकार हर संभव मदद कर रही है, और एक साल के अंदर हिमाचल पुनः जैसे पहले था वैसे खड़ा हो जाएगा, एक साल के अंदर सबके घर बनाए जाएंगे, सबका पुनर्वास किया जाएगा, सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है और जमीन भी लोगों को दी जा रही है। सर, क्या BJP मदद कर पाई है या ये सारी बातें विधानसभा में सामने आ जाएंगी, कितना पैसा केंद्र से मिला छुपाने वाली बात थोड़ी है, हम सरकार थोड़ी छुपा पाएगी, जो भी विपक्ष वहाँ पूछेगा उसका जवाब सरकार देगी, और विपक्ष का जो रवैया है वो सत्ता से बाहर है, इसलिए वो तो अपनी गतिविधियाँ चलाते रहेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है, प्रजातंत्र है, उन्हें वो करने दीजिए जो करते हैं।